चींटी और टिड्डा। वाह बढ़िया दूध, और ये खास और क्या चाहिए, इसे कहते मजे की लाइफ। गर्मी का मौसम आया, साथ अपने घास लाया और फल और ढेर सारी घास। ये है रघु। रघु एक टिड्डा है जिसे गाना गाना और मटर गस्ती करना बहुत पसंद है, और घास पर निकम्मों की तरह आराम करना। उसे गर्मी के मौसम में हरी भरी घास बहुत पसंद है। रघु मस्त मलंग टिड्डा है। ओ मेरे प्यारे गर्मी के मौसम, ताजी घास की खुशबू, ताजे फल की महक, चलते फिरते फल। ये क्या, ये फल क्यों चल रहा है? रघु घबरा गया। वो डरते हुए धीरे धीरे चलते चलते उस फल के पास पहुंचा। फल, तुम बताओ मुझे, तुम कौन हो? भूत, जादू। फल तो बस रघु की तरफ बढ़ता ही आ रहा था, फिर धीरे से घास पर जैसे सरकने लगा कि तभी बचाओ बचाओ, ये फल मेरी तरफ बढ़ रहा है, कोई बचाओ, ये फल मेरी तरफ बढ़ रहा है, बचाओ। एक मिनट, ये कैसी आवाज है? रघु ने अपना कान लगाकर आवाज सुनी। ये तो किसी के हंसने की आवाज थी, और पता चला कि ये बहुत सारी चींटियां हैं उस फल के नीचे। मैं डरा नहीं था, तुम्हें पता है ना कि मैं एक टिड्डा हूँ जो हमेशा दौड़ता और उछलता रहता है। ओ हाँ, सही कहा रघु, लेकिन क्या तुम सच में फल से नहीं डरे थे? बस क्या, कूदना और फुदकना तो मेरी आदत है चींटी कहीं के। जैसे एक फल लाने के लिए तुम दर्जनों चींटी निकलती हो। मैं बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए अपना काम खुद करता हूँ मैं, मुझे किसी के मदद की जरूरत नहीं पड़ती। क्या अब मैं इस फल को खाने में तुम्हारी कुछ मदद करूँ? बकवास बंद करो रघु, ये फल हम खाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, इसे इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ देखो। और वो सच में इकट्ठा कर रहे थे। रघु ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ढेरों चींटियां एक कतार में आगे बढ़ रही थी, और वो भी जमीन के एक गहरे गड्ढे की तरफ। वो चींटियां टमाटर, जामुन, मकाई और गाजर भी ले जा रही थी। हर एक चींटी एक एक करके उस फल को गड्ढे में डाल देती, फिर बाकी की मदद करने आगे बढ़ती। खाने का भंडार लगातार चल रहा था। रघु जानना चाहता, तुम सब ये क्या कर रहे हो, ये सारा खाना गड्ढे में क्यों डाल रहे हो, क्या सारे फल खराब हो गए हैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम ये खाना इसलिए जमा कर रहे हैं क्योंकि अब गर्मी का मौसम खत्म होगा और सर्दी का मौसम जल्दी ही आएगा, तब फल और पत्ते नहीं रहेंगे। हमें पहले से तैयार रहना चाहिए, वरना हम भूखे मरेंगे। रघु तुम्हें भी खाना जमा कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में हरी घास नहीं बचेंगी। ओ तुम चींटी हो चींटी, इसलिए ज्यादा मेहनत करके पूरे मौसम ये खाना जमा करती हो। मेरे लिए ये चुटकियों का काम है, इतनी जल्दी क्या है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जब जीना है बरसों। चींटियां जानती थी कि रघु गलती कर रहा है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि रघु उनकी सलाह नहीं मानेगा। उन्होंने उसे शुभकामनाएं दी और अपने काम में जुट गई। ये चींटियां भी अजीब है, अरे इतना बढ़िया मौसम है, सर्दियां आने से दुनिया तो खत्म नहीं हो जाएगी, ना ही हम मर जाएंगे, खाने का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा, कल की चिंता क्यों करें। रघु ने चींटियों की बात को अनदेखा कर दिया। वो सारा दिन उछलने और कूदने लगा और हरी घास खाने में मगन रहा। वो नदी में आराम करते हुए मस्त सीटी बजाने लगा। कई दिनों आराम करने की वजह से रघु का वजन बढ़ गया
एक दिन जब वो घास पर आराम कर रहा था, तब उसने देखा कि चींटियां टहनी और पत्तियां लेकर चल रही हैं। तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये पत्तियां और टहनियां लेकर कहां जा रही हो? हम ये सर्दी से बचने के लिए लेकर जा रहे हैं। तुम भी जमा कर लो रघु, सर्दी में बहुत ठंड लगेगी। सर्दी में ही ठंड लगती है, गर्मी में नहीं। तुम बहुत सारी हो, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो अकेला हूँ, मुझे किस बात की चिंता है? चींटियाँ जानती थी कि रघु उनकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो जाने लगी। लेकिन तभी मेरा पैर। ओह, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैं चल नहीं पाऊंगा। ओह, कोई बात नहीं, हम तुम्हें घर लेकर चलेंगे। नहीं, घर यहाँ से बहुत दूर है और तुम्हें ये सारा सामान भी ले जाना है। कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें घर ले उड़ूंगा। ओह सच्ची, तुम मुझे घर पहुँचा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ। रघु चींटी को साथ लेकर उड़ चला और चींटी को भी बहुत मजा आ रहा था। उसने हरी भरी जमीन देखी, झरने देखे, नदी भी देखी। उसे हवा के झोंकों का एहसास हुआ। जब वो घर पहुँचे तब रघु ने देखा कि बहुत सारी चींटियाँ पत्ते लेकर एक बड़े से गड्ढे में डाल रही थी। रघु दंग रह गया। वो नीचे बैठ गया और चींटी उस पर से उतर गई। थैंक यू प्यारे रघु। ए, कोई बात नहीं, उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा। संभाल के जाना और अपने पैर का ख्याल रखना। सुनो रघु, क्या तुमने खाना और पत्तियों को जमा किया? तुम सर्दी के मौसम में कहाँ रहोगे? अरे मैं तो बड़ा हूँ, शक्तिशाली हूँ, कुछ न कुछ तो बंदोबस्त कर ही लूँगा। कल की चिंता आज क्यों? दिन गुजरते गए और गर्मी का मौसम बस जाने को है। पेड़ों के पत्ते सूख कर गिर रहे थे और घास भी अपना रंग बदल रही थी। और यहाँ रघु और भी मोटा होता जा रहा था। वो बस सूखे हुए पत्ते पर पानी में झूम रहा था। वो बस आसमान की तरफ देखता और बची हुई हरी घास खाता। आजकल चींटियां भी नजर नहीं आते, लगता है वो भी मौसम का मजा ले रही है। लेकिन अब इस बात से क्या फायदा, जब मौज मस्ती करने का समय था तब वो पूरा समय काम कर रही थी। सर्दी का मौसम आ गया, चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई, हरी घास और फल कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। रघु एक हरी पत्ती के लिए तरस रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो गर्माहट वाली जगह ढूंढ रहा था, पर बर्फ की वजह से वो भी कहीं नहीं दिखाई दी। हफ्तों बीत गए और रघु की सेहत खराब होती जा रही थी। उसके पास ना तो खाने को कुछ था और ना ही रहने को। बाद में उसे याद आया कि चींटियों ने काफी सारे फल और सब्जियां जमा कर रखी हैं। वो उनके पास गया और दरवाजा खटखटाया। कोई है? कौन है? ओह रघु, तुम? ये क्या हुआ? बाहर बहुत ठंड है और मुझे भूख लगी है। क्या मुझे यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? ओह, सर्दी में तो ठंड लगती ही है, इसमें कौन सी नई बात है? यही कह के तुमने मेरा मजाक उड़ाया था ना? और वो क्या कह रहे थे, आज करे सो कल कर और कल करे सो परसों? मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। प्लीज मुझे कुछ खाने को दो। उनकी बहस सुनकर रानी और बाकी चींटियां भी बाहर आ गईं। हमारे पास बहुत खाना है, लेकिन तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए बहुत छोटी है। लेकिन मैं ये तुम्हें क्या हो गया? रघु जमीन पर बेसुध होकर गिर गया। ये क्या, हमें इसे बचाना होगा, ये भूख से मर जाएगा। आखिर इसी ने मेरी मदद की थी जब मेरे पैर में चोट लगी थी। चींटी ने रानी को बीती बात बताई। उसने बताया कि कैसे रघु ने उसकी बचपन में मदद की थी। जाओ कुछ पत्तियां लेकर इसे उड़ाओ।
और जल्दी से इसके लिए टहनी से एक छोटा सा घर बनाओ। इससे उसे राहत मिलेगी। हमारे पास बहुत खाना है, वो भी हम इसे देंगे। चींटियों ने रघु को ठंड से बचाने के लिए पत्तियां उड़ाई और उसके लिए टहनियों का एक घर भी बनाया और उसे अंदर ले गई। उसे गर्म सूप पिलाया और फल भी खिलाया। थोड़ी ही देर में रघु अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आपका धन्यवाद रानी साहिबा, आपने मेरी जान बचाई, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम बहुत अच्छे टिड्डे हो रघु, तुमने हमारी चींटी की मदद की। हम इस बार तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन याद रहे हमें हमेशा आने वाले दिनों की तैयारी करनी चाहिए। मैं समझ गया रानी साहिबा, हमें चिंता तो नहीं लेकिन कल की तैयारी जरूर करनी चाहिए। क्या पता कल क्या हो।